पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जारी है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ग्रुप के 95 करोड़ के शेयर जब्त कर लिए गए हैं। ईडी ने शेल कंपनियों पर छापेमार कार्रवाई की। अब तक 145 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर दिए गए पीएम मोदी के बयान की कड़ी निंदा की है। मुंबई में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का यह कहना कि नेहरू ने देश निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई, यह बेहद गलत है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आतंकियों और सेना में यह मुठभेड़ परिबल गांव में हुआ। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों की जमानत पर आज 30,000 कोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को कोर्ट ने विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।